तो दोस्तों, जहाँ हम जा रहे थे वहां मेरे परिदेव ने हमें भटका दिया है। स्वामी जी हमें गलत रास्ते में ना दे। यहाँ देखो, यहाँ रोड ही खत्म हो गई, आगे रोड ही नहीं है। कल भी ऐसे लेके गए, आज भी ऐसे लेके गए। कल तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आज मैं जरूर दिखाऊंगी इनकी मिस्टेक। हेलो दोस्तों, तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो चुकी है और अभी हम फिर से निकल चुके हैं कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए। और मेरे साथ वही रिद्धि, और रिद्धि की मम्मी आ रही पीछे से। तो अभी हम रास्ते में बस कल की तरह ही जा रहे हैं, बट आज कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अभी सरप्राइज है, वीडियो में बने रहे, आगे पता चलेगा आपको कि कहाँ है हम। आज नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो और जान के छोड़ देते हो, इसलिए आज एक अच्छी सी जगह जा रहे हैं हम। तो वीडियो में बने रहे और देखिए कहाँ जा रहे हैं हम। बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। देख रहे, नींबू के पेड़ पे क्या लगा हुआ? नींबू के पेड़ पे नींबू थोड़ी ना है, ये तो बेल है ना, ब्रह्म कद्दू की। ये ब्रह्म कद्दू, कोई अगर दूर से देखेगा तो वही सोचेगा नींबू के पेड़ पे ब्रह्म कद्दू लगे हुए। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ब्रह्म कद्दू। ये रख रहे, बड़ा दे का है। हाँ, ये है, ये हमारे केले के पेड़ है। केले तो लगे नहीं इस पर, जिसको चाहिए होंगे बता देना। लगे तो है भी नहीं, लगे भी नहीं है इस पर केले। हाँ, वहाँ पे भी लगे हुए देख, यहाँ पे भी नहीं लगे हुए, इस वाले पेड़ पे भी नहीं लगे हुए। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लामरी धार। अभी मैं लामरी धार पे खड़ा हूँ। ये सामने का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, अद्भुत नज़ारा है। ये लामरी धार का मार्केट है, शुरू होता है यहाँ से, और ये सामने ग्राउंड है। यहाँ कभी हम क्रिकेट मैच खेलने आते थे। तो अभी मैंने सस्पेंस बना के रखा हुआ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज। जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो तो समझ चुके होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट जिनको पता नहीं है तो उनके लिए अभी सस्पेंस ही रहेगा। तो वीडियो में बने रहे, चलते अब आगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और दूर काफ़ी है जाने के लिए। ये सामने हमारा जाखनीधार का मार्केट दिखाई दे रहा है, जहाँ से अभी हम आए। और ये जो नीचे रोड जा रही है, ये हमारे गांव की तरफ जाती है उधर। तो चलिए चलते अब आगे। तो दोस्तों, जहाँ हम जा रहे थे वहाँ मेरे परिदेव ने हमें भटका दिया है। स्वामी जी हमें गलत रास्ते में ना दे। यहाँ देखो, यहाँ रोड ही खत्म हो गई, आगे रोड ही नहीं है। कल भी ऐसे लेके गए, आज भी ऐसे लेके गए। कल तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आज मैं जरूर दिखाऊंगी इनकी मिस्टेक। नीचे पे ये थोड़ा सा पक्की रोड लग रही थी, मुझे लगा कि मेन रास्ता ही होगा जब पक्की रोड ही है। कल भी ऐसी रोड थी, अब वो कच्ची रोड जा रही थी नीचे से, तो थोड़ा सा। अब हम गलत आ गए, वो तो हमने गूगल मैप खोला तो हमने देखा, और ऊपर से सड़क भी यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो लास्ट सड़क है। और हम काफी ऊपर आ गए, हमने दूसरी रोड पे जाना था और हम यहाँ ऊपर रोड पर आ गए। क्या करें, आधा टाइम वेस्ट हो गया। अब चलो वापस चलेंगे। अब यहाँ देखो रोड की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो दोस्तों, ऐसी रोड है, आपको लग रहा है कि यहाँ गाड़ी चलती होगी। देखो दोस्तों, बहुत लंबे आए हम यहाँ से, तकरीबन कितने मिनट आगे आ गए हम लोग रोड से? 10 मिनट आगे आए होंगे ना। हाँ, 2 किलोमीटर आगे आए होंगे हम लोग। हम फिर वापस जा रहे हैं अभी। देखो, अब चलो, कल भी भटके आज भी भटक गए। भटकते भटकते अपने जहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम रास्ता भट गए, हम नीचे से आ रहे थे और हम सीधा इस वाली रोड पे निकल गए। और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ उस पर लिखा भी नहीं जहाँ हम जा रहे थे, वहाँ का नाम भी नहीं लिखा हुआ, जबकि ये रोड जाती है उधर। ये पूरी कच्ची सड़क है, तो अभी हम यहीं से निकलेंगे, कच्ची सड़क से। हाँ, तो दोस्तों अभी हम सही रोड पे पहुँच चुके हैं। हम लोग उस टाइम पे गलत रोड पे चले गए थे, अभी हम सही रोड पे आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा, मैंने रोड में दिखाया भी था। एक्चुअली मैं क्या है ना, वहाँ से ना शॉर्टकट रास्ता आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर हम शॉर्टकट से गलत रास्ते गए ना। जो शॉर्टकट रास्ता था हम उससे भी भटक गए, वो उधर को चला गया। हाँ, हमें आना था इधर को, तो जो कच्चा वाला रास्ता था तो वही सही रास्ता था। अच्छा। क्योंकि अगर हम वो वैसे रास्ते से आते तो जो नीचे रोड आ रही ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से हमें घूम के नीचे से फिर ऊपर आना था। ये तो कहाँ लेके गए पापा में? हाँ, अब सही आ गए हम। बोलो चलो गाइस, चलो गाइस, हम आपको मिलेंगे।
बाय कर दो। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ऊपर भी मिलता है। चलो जय माता की, जय माता की। यहाँ पे हम पिछली बार आए थे तो हमने यहाँ पे खाना खाया था। तो दोस्तों अब सबको पता लग चुका मैं आ चुका हूँ अभी चंद्रवदनी, तो यही आने वाले थे हम आज, और अभी हम जा रहे हैं। सस्पेंस खत्म, सस्पेंस खत्म हो गया। अब हम चल रहे यहाँ से पद यात्रा करते हैं काफी ऊपर जाने के लिए। आज तुम ये आज फटाफट चल रहा है, आज मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। वही तो, कल मैंने इनको मोटा बोल दिया था, इनकी नाक लग गई है। नाक मेरी नहीं लगी, नाक तो मोटा मेरे से ज्यादा मोटी तो तू है। सही है दोस्तों, आज लग रही सूट में लग जाती मैं मोटी, बाकी कपड़ों में नहीं लगती। तो ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारी चुनिया बांध रखी पेड़ पे, जो लोग मन्नत मांगते हैं यहाँ पे चुनिया बांधते हैं, और जिनकी मन्नत पूरी होती है यहीं से चुनिया खोलते हैं। आप देख सकते हो पूरा पेड़। ऐसा तो नहीं जैसे जो चुन्नी बांधता है वही वाले चुन्नी बढ़ती है? नहीं नहीं, कोई भी खोल दो जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ से चुन्नी खोल देता है। आप देख सकते हो पूरा पूरे पेड़ पे किस तरह से चुनिया बांध रखी है। यहाँ पे सामने जो बैठने के लिए बना रखा है वहाँ भी चुनिया बांध दी। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे, बोले जय माता की, जय माता की, बोले जय माता की। ये आगे यात्री जा रहे हैं, हम भी लगे हुए रास्ते। तो दोस्तों नीचे से पैदल चल चल के काफी बुरे हाल हो चुके हैं, काफी नीचे से आए हम, और आज रिद्धि भी पैदल नहीं चल रही। आज रिद्धि भी पूरा गोदी में चल रही, भाई पैदल नहीं चल रही। रिद्धि क्यों नहीं चल रहा पैदल? धूप लग जाए, हम आंखें नहीं खोल रही धूप के बारे। अच्छा, मुझे तो काफी थकान लग गई है नीचे चलते चलते, अभी काफी बचा हुआ जाने के लिए ऊपर। देख सकते हो अभी ऊपर दोस्तों हमने असल सामान ले लिया है, श्रृंगार वगैरह लिए, यहाँ से चुन्नी वगैरह लिए, आ रहे हैं मंदिर के लिए। चल बेटा पैदल चल। हाँ चलो, जय माता की, चलो। पापा रिद्धि को गोदी में लेके जा रहे हैं। थकान नहीं रही तुम्हें? थकान नहीं आ रही? जय माता की बोलो रिद्धि। यहाँ देखो पैदल आओ रिद्धि। Thank you.
दोस्तों बहुत भीड़ है यहाँ पे, लाइन लगी हुई लंबी। गर्भगृह में हट जाओ, इधर आओ, आप यहाँ पे रहो खड़े। चुदू नारियल का वेट कर रही है, फूटेगा। मुझे भी नारियल खाएगी ना दीदी, ले ये सामने पूरे हिमालय में है, हिमालय है पूरा सामने, आप देख सकते हो बड़ा सुंदर नजारा है यहाँ से। जूम करके दिखा दो आपको, ये आप देख सकते हो पूरा हिमालय पर्वत। तो ऐसा ये पूरा मंदिर परिसर है, यहाँ ये नीचे यहाँ पे बलि होती थी पहले, अब बंद कर दिया, यहाँ पे बलि पर से बंद हो चुकी है, तो ये गुफा भी बंद हो चुकी है। यहाँ पे यहाँ से बलि होती थी, नीचे कहीं बाहर निकलता था। तो हम अभी हैं सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी के भवन में, ये पांचवा धाम भी कहा जाता है, और यहाँ से प्राकृतिक का सुंदर नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ, काफ़ी टॉप पे है मंदिर, ये माँ का पूरा भवन। अभी अंदर गर्भगृह में फोटो वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाद बाकी आपको दर्शन करने माता रानी के, तो आप यहाँ आ सकते हो, नीचे मंडाण लगा हुआ, किरण और रिद्धि वहाँ टहल रहे हैं। यहाँ से भी देख सकते हो बड़ा सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का, यहाँ से दिखाता हूँ मैं माता रानी का भवन। जय माँ चंद्रवदनी। नहीं ठीक है, जय माता की, जय माता की। तो आपको भी हमने दर्शन करा दिया, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब कर दे बस। रिद्धि की बांधो, रिद्धि आजा, रिद्धि रिद्धि। और रिद्धि की मम्मी भी शॉपिंग कर रही है यहाँ पे, यहाँ पे पूजा का सामान मिलता है काफी अच्छा, गले की माला वगैरह, हाथ के ब्रेसलेट, और लेडीजों के गले की माला है बहुत सारी है यहाँ पे, बच्चों के टॉयज भी हैं। रिद्धि आपने क्या उठाया, ये तो स्पाइडर है, अयांश के हाथ में नहीं आएगा, छोटा लग रहा है मुझे, नहीं बड़ा लग रहा है, ले जा ले अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में डाल लेंगे। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, क्या कर रहे हो आप, कैसे चलता है बताओ मुझे, बताओ मुझे कैसे चलता है।
मुझे तो बताओ। अरे वाह, क्या बजा रहा ढोल? अम्मो दीदी क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी मंदिर से नीचे, देखिए यहाँ से गए थे ना मुंह पर, अब हम नीचे आ गए हैं, दर्शन कर लिया हमने, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिल रही है। और आप लोग भी जरूर आना यहाँ दर्शन करने के लिए, कुछ कुछ लोग तो आ भी रखे होंगे है ना, जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, और कुछ कुछ लोग आ नहीं रखे होंगे, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है माता रानी के लिए, एक लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, एक एक लाइक नहीं बहुत सारे लाइक दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें, ताकि आप लोगों के लिए हम और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आए। तो अब ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था तो अब थोड़ा कम ही करेंगे, अब यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं, है ना रिदू? हाँ। तो दोस्तों को बोलो लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जय माता की। जय माता। आप भी बोलेंगे कुछ? तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और अभी कल हम एक और ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, कल जा रहे हैं हम घनसाली, और घनसाली से ऊपर जाएंगे कहीं और, तो वो भी सस्पेंस है, और दिखाएंगे वहाँ का व्यू भी आपको, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हैं हम भी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों बस, और माता रानी की कृपा होनी चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।